शाडू की गणपति बोलते हैं। वो गणपति को हमने पहले ही सोचा था कि वो हम जो है कोई नदी में या पॉन्ड में जाकर उसको विसर्जित नहीं करेंगे। आप लोग सब ठीक हो? आई नो बहुत दिनों के बाद में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्रीव्यू से आपको पता तो चल गया होगा कि ये वीडियो किनके बारे में है। यस, ये वीडियो है हमारे सबके फेवरेट बाबा जी जो है गणेश जी, उनके बारे में है। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि लास्ट ईयर, ये हमारा सेकेंड ईयर होगा, लास्ट ईयर मेरे सिस्टर ने डिसाइड किया था कि उनको गणेश जी रखने हैं एंड मोमेंट पे। सो हाउ वी हैव अरेंज द मूर्ति, तो हमने एक एक्सपर्ट लिए क्योंकि वी आर नॉर्थ इंडियन एंड मोस्टली हमारे यहाँ पे तो गणेश जी की स्थापना नहीं करते हैं। सो वी हैव टू कंसल्ट सम वन हु इज एक्सपर्ट इन दिस। तो हमने उन फॉलो करते हुए सारे प्रोसेस किए हैं, करने की कोशिश की है जितना हम उनको निभा पाए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमने इको फ्रेंडली गणपति ली थी, शाडू की गणपति एंड बाल गणपति जी लिए थे। आपको बहुत इजीली डिफरेंशिएट पता चल जाएगा मूर्तियों के अंदर। जो बाल गणपति जी होते हैं उनके सर पे मुकुट नहीं होता है, एंड जो गणपति जी जो इट इज नॉट बाल गणपति, उनके सर पे मुकुट होता है। अपने एक्चुअली उन्होंने 3 साल के लिए गणपति जी, मतलब उनकी एक विश थी कि वो 3 इयर्स रखेंगे। सो दिस वुड बी सेकेंड ईयर। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ लास्ट ईयर जो हम लोग ने जो एक्साइटमेंट, द एंजॉयमेंट, और किस तरह से हम लोग ने एक एक्सपर्ट्स को लेकर कंसल्ट कर उनकी तैयारियां की थी। सो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे हमने मजे किए हैं डेकोरेशंस करते हुए। डेकोरेशन में हमने बाहर से कुछ नहीं ज्यादा कुछ लिया था, हमने ओडनीज जो है उनसे, उनकी यूज से हमने डेकोरेट किया था। पीछे जिलेटिंग पेपर लगा के, विच इज लाइक नॉट, उसका ज्यादा कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है, रखी थी। वो शाडू की गणपति बोलते हैं। वो गणपति को हमने पहले ही सोचा था कि वो हम जो है कोई नदी में या पॉन्ड में जाकर उसको विसर्जित नहीं करेंगे। वी वॉन्ट टू कीप इट इको फ्रेंडली, तो हमने हमारे गार्डन में घर के बाहर उनको विसर्जित किया था। तो आगे मैं आपको श्योरली बताऊंगी कि वो इतना ईजी है और उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आप प्लीज सो बी विद मी।
भजन गाते गाते हम गणेश जी को हमारे घर लाए। पंडित जी ने गणेश जी की पूजा कर कर उनकी स्थापना करवाई। स्थापना करने के बाद में हमने जो वस्त्र उनके लिए लाए थे उस उनसे उनको सजाया। तो ये वस्त्र और चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गणेश जी के बाजू में रखने के लिए, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी कि क्या क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि फ्रूट्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, इत्र होना चाहिए, पंचामृत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो मेहमान आपके घर पर डेढ़ दिन के लिए आते हैं उसे वो प्रसाद उनको देना होता है। सो ये सारी चीज़ें मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्योरली आपको मेंशन कर दूंगी। उसके बाद में हमने आरती की उनकी फर्स्ट, और नैवेद्य चढ़ाया खाने का जो हमने उनके लिए बनाया था। नैवेद्य में दाल, चावल, भाजी, रोटी, पापड़, अचार, मीठा और जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मोदक, उसका नैवेद्य चढ़ाया। हमारी गणपति सिर्फ डेढ़ दिन की थी, बट आई कांट शेयर यू द इमोशन जो वो हमारे घर पे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गणपति जी हमारे यहाँ पे सिर्फ डेढ़ दिन के लिए थे। नेक्स्ट दिन पंडित जी ने नवघर शांति की पूजा कर की और उनसे आज्ञा ली कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मे बी वीडियो बनाते समय हमसे काफ़ी मिस्टेक्स हुई हो, वी आर सॉरी फॉर दैट। पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, सो डू वी। टिल आर नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ओम हरि ओम दशरथ विष्णुवे नमः स्वाहा। दोनों हाथों पकड़ के ओम गच्छ गच्छा प्रासेता सुवासने परमेश्वरा सुंदर देव गाव ब्रह्मा जी ब्रह्म रूप में शिव जी कैलाश पर्वत में विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में वास करें। और जितने भी हमने नवग्रह देवता या आदि देवता, प्रजादि देवता, पंचलोकपाल, दस देखपाल, जितने भी देवता हमने बुलाए हैं अपने अपने स्थानों को गंतव्य करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती हमारे घर में निवास करें, हमें सुख शांति देवे, बलिदान देवे और हमें सद्बुद्धि देवे, सुखी रखे। हरे उनके चलेगा सुरक्षा सुहास में परमेश्वर। अपने अपने स्थानों को आप ठीक हरे उनका गणपति बापा होया, मंगल मूर्ति होया।